क्या डिग्री मेरी पहचान है, खूबसूरती मेरी पहचान है, लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी मेरी पहचान है, एक आलीशान बंगला मेरी पहचान है, मैं एक बहन भी हूँ, मैं एक बेटी भी हूँ, मैं एक बीवी भी हूँ, मैं एक भाभी भी हूँ, मैं खाला भी हूँ, मैं नंद भी हूँ, मैं सास भी हूँ, लेकिन मैं खुद कौन हूँ? मेरी कुछ जरूरतें हैं, मुझे सर छुपाने के लिए घर चाहिए, मुझे खाना चाहिए पेट भरने के लिए, मुझे पहनने के लिए कपड़े चाहिए, मुझे आने जाने के लिए सवारी चाहिए, मुझे एक खानदान की हिफाजत चाहिए। मेरी कुछ ख्वाहिशें भी हैं, मुझे सिर्फ घर नहीं चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे एक अच्छी हाउसिंग सोसाइटी में बंगला चाहिए, मुझे सिर्फ खाना पेट भरने के लिए नहीं चाहिए, उसमें वैरायटी होनी चाहिए, अनुभव इकसाम के खाने चाहिए, मुझे अच्छी क्रॉकरी चाहिए, मुझे घर में काम करने के लिए सर्वेंट्स चाहिए, मैं डिजाइनर कपड़े क्यों ना पहनूं, मैं फैशन क्यों ना करूं, मेरे पास लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी होनी चाहिए और खानदान ऐसा हो जिसका मैं जिक्र करूं तो मेरा सर फखर से ऊंचा हो जाए, मैं लोगों की नजरों में पुरवकार नजर आना चाहती हूँ, मेरी ज़ाहिरी शक्ल और सूरत बहुत ज़्यादा अहम है, मेरा रंग गोरा होना चाहिए, मेरा कद मुनासिब होना चाहिए, मुझे पूर एतमाद लगना चाहिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आती, मैं जितना इन चीज़ों के पीछे भागती हूँ ये उतना ही मुझे थका देती है, मेरी जो भी ख्वाहिश पूरी होती है लेकिन मुझे डिप्रेशन के सिवा कुछ भी नहीं मिलता, मैं कैसे खुशी और इत्मीनान हासिल करूं? मैंने बहुत से लोगों से पूछा, मैं बहुत से मज़ारों पे गई, मैं बहुत से डॉक्टर्स के पास गई, मैं बहुत से साइकोथेरेपिस्ट के पास गई, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि हैप्पीनेस क्या है, सुकून क्या है, मेरे अंदर एक बेचैनी क्यों है। फिर मुझे पता चला, मुझे इन सवालों का जवाब कौन देगा? मुझे इन सवालों का जवाब वही देगा जिसने मुझे पैदा किया, जो मेरा रब है, जो रब्बे कायनात है, जो सबसे बड़ा है, असल में बड़ा वही है। जब मैं पैदा हुई उसने मेरे रिज़्क का इंतजाम किया, उसने मुझे खानदान दिया, उसने मुझे एक नाम के साथ दुनिया में भेजा और उसने मुझे अपनी किताब में बताया कि मेरे आने का मकसद क्या है। ये चीज़ें जो हैं मुझे बड़े मकसद की तैयारी में मदद देंगी, लेकिन इन चीज़ों को हासिल करना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है अपने रब को पाना, अपने रब की रज़ा को पाना। ये सारी चीज़ें जिसके लिए मैं परेशान हूँ मेरी परेशानी के लिए नहीं है, मुझे सिर्फ एक ही चीज़ की फिक्र करनी है कि मैं अपने रब को कैसे राजी करूँ, मैं अपने रब को और वो हस्ती जिसने मुझे इस रब तक पहुँचने का रास्ता बताया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उनसे मोहब्बत करूँ और अपनी मर्जी को अपने रब की मर्जी के ताबे कर दूँ। मुझे ना रिज़्क के लिए परेशान होना है, ना मुझे किसी और चीज़ के लिए, मुझे सिर्फ एक फिक्र करनी है कि मेरे इखलाक, मेरे अतवार, मेरा रिस्क हासिल करना, क्या वो सब कुछ उन हदों के अंदर है जो मेरे रब ने मुझे बताई है। मेरा काम गौर फिक्र करके अपने रब तक पहुंचना, क्योंकि ये दुनिया एक मुकर्रर वक्त तक चल रही है, ये दुनिया तब भी चल रही थी जब मैं इस दुनिया में नहीं थी और ये तब तक चलती रहेगी जब तक अल्लाह को मंजूर हुआ एक दिन मैंने यहाँ से चले जाना है। ये मेरी इम्तहान गाह है, ना यहाँ पे कोई हमेशा रहा है, ना मैंने रहना है, ये एक थोड़ी सी मुख्तसर सा क़याम है। जैसे मैं अगर किसी 7-स्टार होटल में भी जाऊँ तो जो चीज़ें पैक करके ले जाती हूँ वहाँ पे कुछ दिन रहने के बाद अपना बैग लेके वापस आ जाती हूँ, इसी तरह ये दुनिया भी है। अगले सफ़र के लिए मुझे यहाँ तैयारी के लिए भेजा गया है, मैं अपने बैग में
वो नेकियां डालूं जो क्यामत वाले दिन जो अगले लंबे सफर के लिए मेरे काम आएंगी। मुझे प्रोएक्टिव बनना है, इस दुनिया में रहते हुए अपनी आखिरत की तैयारी करनी है, अपने रब से जुड़ना है। अगर मैंने इस दुनिया में ये रहते हुए काम कर लिया, अपना रुख दुरुस्त कर लिया, अपनी सिम्मत दुरुस्त कर ली, तो मैं कामयाब हूँ और इसी में सुकून है। और मेरी दुआ है कि हम सब मिलके अपने रब को पाने की कोशिश करें।